नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। अभी आप लोग मिले अंदर देखिए, जो घटना जोधपुर में पिछले दिनों हुई हम सब के लिए निश्चित रूप से अफसोसजनक है, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने प्रशासन द्वारा की गई FIR, हमारे द्वारा की गई FIR और दूसरे वर्ग द्वारा की गई FIR, हमारे द्वारा मतलब समाज के दोनों वर्गों द्वारा की, सबका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद हमें पता चला कि प्रशासन के दो प्रमुख FIR का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, जालोरगेट सर्कल के बारे में और सुनारो के बस के बारे में। तो दोनों FIR की गई, प्रशासन से सारी बातचीत के बावजूद वो FIR की गई, उससे लगा कि प्रशासन किसी दबाव के चलते किसी एक वर्ग विशेष को बचाने के लिए निर्दोषों को फंसाने का षड्यंत्र कर रही है और वो सारा तुष्टिकरण के लिए सोच कर रही है। हमने FIR में पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि जब एक पक्ष अपने बचाव के लिए सड़कों पर आता है, एक पक्ष घर पर जब हमला होता है, हमले के बचाव के बाहर आता है, उसी को उन्होंने दोषी बनाया गया। इन दोनों FIR के अंदर ऐसे लोगों को भी मुजरिम बनाया गया या मौके पर जो बताया गया, ऐसे दोनों FIR में हुआ। तो हमने एक मांग इनसे निवेदन किया है कि आप दोनों FIR को, आपके पास में कुछ संस्थागत सारे साधन हैं, आपके सारे वीडियोज हैं, जनता के वीडियोज हैं, सबको आप तुलना करें और तुलना करने के बाद में झूठ का झूठ पानी का पानी करें, वरना भारतीय जनता पार्टी चाहे मीडिया के माध्यम से, और हम ये भी कर सकते हैं आपके सामने, हम आने वाले दिनों अगर उन्हें नहीं माने तो हम एक तुलना का दिन करें कि पुलिस की FIR क्या कह रही है और जोधपुर जो हुआ वो सारे मीडिया बंदुओं के वीडियो, जनता के वीडियो ये क्या करें, हर चीज़ में समय है, लोगों के वीडियो कॉल सब चीज़ है, दोनों को बताते हुए हम आपसे कहेंगे आप तुलना करिए किसने गलत किया किसने सही किया। हम अगर प्रशासन ने जो दो FIR है, हमने सारी FIR अध्ययन किया, लेकिन जिनका अध्ययन किया उसके अंदर लगा है कि प्रशासन निश्चित रूप से दबाव के चलते एक वर्ग विशेष बचाना चाहता है, हमने आगाह किया कि आप ईमानदारी से काम करें, नहीं तो आपकी FIR और वास्तविक जो घटना हुई दोनों घटनाओं को मीडिया के सामने बहुत जल्दी लाएंगे और बिल्कुल साधनों के जरिए, वीडियोस के जरिए और टाइमबद्ध सब चीज़ें हमारे पास है। तो इन्होंने कहा कि हम उन्हें देखते हैं और ऐसा होगा नहीं, सबके साथ में है। मीडिया को आप साथ लोगे, मीडिया को तो खुद डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके खिलाफ मीडिया भी तो पीड़ित पक्ष पार्ट है ना। सबसे पहले तो मीडिया पर हमला किया गया था, तो मीडिया तो समाज के बंधु है ना, मीडिया अलग थोड़ी है। ठीक खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन, हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।